हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी टेक के टिप्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपडेट अभी रिसेंटली Redmi Note 9 मोबाइल में मिला था 12.0.06 का, उस अपडेट में क्या क्या दोस्तों चेंजेस देखने को मिले, वो अपडेट कैसा था, क्या उस अपडेट में कुछ प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं फिक्स हुई, तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यही सब चीज़ों के बारे में, क्या मुझे लैग देखने को मिला या नहीं मिला, और क्या क्या दोस्तों इसके फीचर्स, कुछ नए फीचर्स आए, कौन कौन सी प्रॉब्लम को इन्होंने 12.0.6 के बाद सॉल्व किया, ये सब दोस्तों मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेगुलरली दोस्तों Redmi Note 9 और बाकी और मोबाइल के ऊपर इस तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। तो आपको जैसे दोस्तों मैं दिखा दूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने अभी 12.0.6 को जो है अपडेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है 12.0.6 का अपडेट है। यहाँ पे आप व्हाट्स न्यू पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू दिसंबर। तो जो दोस्तों सिक्योरिटी है वो दिसंबर की हमको मिल गई है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस अपडेट में एक अच्छा चीज़ जो है दोस्तों इस अपडेट से निकल के आया वो यही है कि इसकी जो सिस्टम सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दी गई है, दिसंबर का दे दिया गया, जो कि मुझे इस अपडेट के बारे में बहुत ही अच्छी लगी। और दोस्तों आपको बताता हूँ, आपको दोस्तों इसके पहले वाले अपडेट में कुछ आपको लैग दिख रहा होगा अपने MIUI न्यू जो कंट्रोल सेंटर है उस पर। अब जैसे कि देख सकते हैं इस तरह का कुछ नया UI भी आपको देखिए दोस्तों डार्क मोड और लाइट मोड में मिला, यानी अगर आपको डार्क मोड में चाहिए तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका डार्क मोड, और ऐसे करेंगे तो लाइट मोड में। दोस्तों इस तरह का नया UI जो है दोस्तों इस यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है डार्क मोड में। दूसरा चेंज अगर दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो आप जैसे कंट्रोल सेंटर में जाकर यूज़ न्यू कंट्रोल सेंटर को दोस्तों आप करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये जो कंट्रोल सेंटर है इसको बंद करना और ओपन करना दोस्तों इजी हो गया। अगर आपको ध्यान हो तो जो Redmi Note 9 में अभी 12.5 का अपडेट आया था, 12.0.5 का इसके पहले वाला अपडेट, उसमें दोस्तों आपका जो कंट्रोल सेंटर था वो इजीली ओपन नहीं होता था, वो उसमें बहुत सारे लैग दोस्तों देखने को हमको मिलते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता दोस्तों, आप एकदम स्मूथ कर दिया है उन्होंने एकदम से। आप कहीं पर भी स्वाइप कर सकते हैं, कहीं पर भी आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को खोलेंगे, कुछ भी करेंगे दोस्तों ये बिल्कुल लैग नहीं करेगा इस अपडेट में। तो ये इस अपडेट से ये कंट्रोल सेंटर वाली जो प्रॉब्लम थी दोस्तों ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। और आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे वो आप पिछले बार के जो अपडेट था उसमें दोस्तों आप जब ऐसे करते थे स्क्रॉल करते तो यहाँ पे पूरा ब्लर आ जाता था, लेकिन अब यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद कुछ आ रहा है। ये देखिए दोस्तों आपको शाइनी एकदम दे दिया गया, अलग सा लुक दोस्तों यहाँ पे देख दिया गया, जो कि मुझे बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लगा दोस्तों। जो पुराना वाला ब्लर वाला इफेक्ट था वो दोस्तों मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। आप देख सकते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए आपको क्या लगता था। ये दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखने को हमको मिले हैं। और भी दोस्तों कई सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में भी अब मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिलता है, सिंपल सा परफॉर्मेंस है दोस्तों अभी मुझे Redmi Note 9 के अंदर मिल रहा है। और अब दोस्तों जैसे यहाँ पे देखेंगे तो और यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, बस आपको छोटे मोटे यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ नए सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिले होंगे दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर और आते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह के कुछ नया UI, कुछ नए चेंजेस दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिले। इतने ही मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे अभी हमको देखने को मिले चेंजेस, और फ्यूचर में शायद और भी कुछ नए अपडेट्स आ सकते हैं। मुझे तो यहीं पे इतने ही दिखे, अगर आपको कोई नया दिखाओ तो हमें प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप देख सकते हैं अभी इस तरह का UI अगर आपको पसंद हो तो आप हमें अपने कमेंट में बता दीजिए दोस्तों, तो अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।